हेलो एवरीवन, दिस इज पी के शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी आवर यूट्यूब चैनल आयांश लर्नर एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीछे की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कास्ट आयरन के बारे में, जिसमें हम लोग कवर किए थे कास्ट आयरन, कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी, कास्ट आयरन कितने प्रकार का होता है और कास्ट आयरन का जो कंपोजिशन क्या होता है और कास्ट आयरन का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ये सारा कुछ आपको पीछे की वीडियो में बता दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो कृपया आई बटन पर टैप करिए और उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर मैंने इसका लिंक जो है पूरी प्लेलिस्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कृपया यहाँ पर जाइए, आपको जो भी मर्जी हो या फिर आई बटन से देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देखिए, जहाँ से इच्छा हो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, फिर इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हमारा जो आज का टॉपिक है रॉट आयरन, इसमें फ्रेंड्स देखेंगे हम लोग रॉट आयरन क्या होता है, रॉट आयरन बनाने की विधि क्या होती है, कौन कौन सी विधियाँ होती है। इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पुडलिंग फर्नेस, जिसका चित्र मैंने इस थंबनेल में दिया है, फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रॉट आयरन, फिर देखा जाएगा रॉट आयरन के गुण। चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। फ्रेंड्स, जैसे आपको बताया गया था, फेरस मेटल चार तरह के होते हैं। पहला होता है पिग आयरन, दूसरा होता है कास्ट आयरन, तीसरा होता है रॉट आयरन और फोर्थ नंबर होता है स्टील। फ्रेंड्स, दो कवर कर चुके हैं हम लोग, पिग आयरन और कास्ट आयरन। आज देखेंगे हम लोग थर्ड नंबर रॉट आयरन के बारे में। आपको बताया गया था कि रॉट आयरन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिग आयरन को ही वुडलिंग फर्नेस में गर्म करते हैं, हमारा रॉट आयरन बन जाता है, या फिर व्हाइट कास्ट आयरन से भी रॉट आयरन बनाया जाता है, आपको पीछे की वीडियो में बताया गया था। तो फ्रेंड्स, देखते हैं रॉट आयरन क्या होता है। देखिए, रॉट आयरन जो होता है फ्रेंड्स, यह लोहे की सबसे शुद्धतम अवस्था होती है। ठीक है फ्रेंड्स, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, लोहे की शुद्धतम अवस्था होती है, शुद्धतम, सबसे शुद्ध अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, मिनिमम जो होता है 99.5% क्या होता है, आयरन होता है। इसमें जो है 99.5% आयरन होता है, कम से कम, यहाँ पे लिखा भी है इट हैव मिनिमम 99.5% एंड अप टू, और अधिकतम जो होता है 99.9% आयरन होता है, और शेष दो धातुएं होती हैं 0.5 या 0.1% के अंतर्गत होती है। जैसे इसमें कार्बन जो है फ्रेंड्स क्या होता है 0.02%, सल्फर जो है 0.018%, स्लैग जो होती हैं अशुद्धियाँ होती हैं 0.07%, सिलिकॉन जो होता है आपका 0.12%, फास्फोरस जो होता है 0.02% एंड रिमेनिंग इस आयरन, शेष क्या होता है, लोहा ही होता है शेष। यानी कि आप देख रहे होंगे कि लोहे का परसेंटेज क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो आपका जवाब होगा रॉट आयरन, लोहे की सबसे शुद्धतम अवस्था कौन सी है, तो आप बताएंगे रॉट आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं रॉट आयरन के क्या क्या गुण होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, रॉट आयरन क्या होता है, एक टफ, डक्टाइल और मैलिएबल क्या होती है, धातु होती है, मतलब यह तोड़ मोड़ करेंगे तो टूटेगी नहीं। डक्टाइल का मतलब क्या है, इसको तार के रूप में खींच सकते हैं। मैलिएबल है अर्थात इसे हम पतली चादरों के रूप में फैला भी सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि यह सडन और एक्सेसिव लोड, मतलब कि अचानक घिसाव और अधिकतम लोड को नहीं सह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 250 MPa से 500 MPa होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है फ्रेंड्स 300 MPa होती है। इसको आसानी से इसकी फोर्जिंग और वेल्डिंग की जा सकती है, फोर्जिंग और वेल्डिंग जो है इसकी इजीली की जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आसानी से हम लोग इसको फोर्ज या वेल्ड कर सकते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स 1530 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी किसी किताब में 1600 डिग्री सेंटीग्रेड लिखता है फ्रेंड, दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी आप बताते हैं
दोनों ही सही है, क्योंकि लगभग 1530 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे लिखा गया है, तो जिसको हम लोग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि रॉट आयरन का उपयोग क्या होता है। फ्रेंड्स, जो रॉट आयरन है, नट बोल्ट चेन क्रेन हुक रेलवे कपलिंग वाटर और स्टीम पाइप आदि को बनाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। रॉट आयरन का कहाँ प्रयोग किया जाता है? रॉट आयरन जो है फ्रेंड्स, नट बोल्ट चेन क्रेन हुक रेलवे कपलिंग वाटर स्टीम पाइप जो है, वाटर या स्टीम पाइप मतलब कि वाट पाइप लाइन पाइप पानी वाली पाइप लाइन या फिर स्टीम वाली पाइप लाइन, दोनों को बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसका जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है वो है, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील, मतलब यह स्टील बनाने में भी प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड, बाई क्रूसिबल एंड सीमेंटेशन प्रोसेस, मतलब इसका प्रयोग क्रूसिबल और सीमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा स्टील बनाने में भी किया जाता है। इसको याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पिग आयरन के अलावा और कौन सी धातु स्टील बनाने में प्रयुक्त होती है, तो आपका जवाब होगा रॉट आयरन। रॉट आयरन जो है स्टील बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, किस विधि के द्वारा? क्रूसिबल और सीमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा। और एक और खास बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो प्रोसेस है इनका प्रयोग अब नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि ये ऑब्सलेटेड हो गई हैं, पहले इनका उपयोग किया जाता था। ठीक है फ्रेंड, तो ये दो तीन बातें थे, आपको ध्यान में रखना है। तो ये कास्ट आयरन से रिलेटेड कुछ बातें थी फ्रेंड्स, जिसमें कास्ट आयरन का ये जो इम्पोर्टेंट उपयोग था मैंने बता दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पिग आयरन के अलावा और किस धातु के द्वारा हम स्टील का निर्माण करते हैं, तो वो आपकी धातु है आपकी रॉट आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं रॉट आयरन बनाने की विधियां या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ रॉट आयरन, प्रोडक्शन ऑफ रॉट आयरन। फ्रेंड्स, रॉट आयरन का प्रोडक्शन जो होता है पिग आयरन से होता है और वाइट कास्ट आयरन से होता है। आप लोग याद रखिएगा, रॉट आयरन का जो प्रोडक्शन होता है पिग आयरन या वाइट कास्ट आयरन से होता है, कल बताया गया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए रॉट आयरन बनाने की दो विधियां हैं, एक पुडलिंग प्रोसेस और दूसरा एस्टन या बेयर्स प्रोसेस, दो विधियां हैं। पुडलिंग प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, यह ओल्ड मेथड है, पुरानी विधि है, जबकि एस्टन एंड बेयर प्रोसेस जो है यह मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न मेथड इसको याद रखिएगा, टू प्रोड्यूस रॉट आयरन। यह रॉट आयरन बनाने की क्या है फ्रेंड्स, आधुनिक विधि है, इसको आप लोग दिमाग में एकदम फिट कर लीजिएगा। पुडलिंग प्रोसेस क्या है, यह ओल्ड मेथड है रॉट आयरन बनाने की, जबकि एस्टन एंड बेयर प्रोसेस क्या है, यह मॉडर्न मेथड है रॉट आयरन बनाने की। सबसे पहले पुडलिंग प्रोसेस देखते हैं। पुडलिंग प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, पुडलिंग फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। ये पुडलिंग फर्नेस है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देखे थे और यहाँ भी दिखाया गया है। तो किया किया जिया जाता है कि ये एक ट्रे होता है या फिर प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग करते क्या है, पिग आयरन को रख लेते हैं और यहाँ पे फ्यूल होता है, फ्यूल को जला देंगे। तो फ्यूल जब जलेगा तो इससे हीट जाएगी या फिर जो आग जाएगी यहाँ पे इसको छूती हुई जाएगी, मतलब ये फ्यूल इसके टच में नहीं आएगा, केवल आग टच में आएगी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, फ्यूल टच में नहीं आएगा, केवल आग आएगी, जिससे क्या होगा, इसका जो कार्बन होगा इसमें नहीं मिलेगा। अब इसमें जितनी भी अशुद्धियाँ होंगी सारी अशुद्धियाँ जल कर इससे क्या होंगी, फ्लू गैसेस के रूप में बाहर निकल जाएंगी। फ्रेंड्स, जो अशुद्धियाँ होंगी यहाँ से फ्लू गैसेस के रूप में क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी। और यह डोर दिया है, डोर फॉर एक्सट्रैक्टिंग ब्लूम, तो जब सारी अशुद्धियाँ जल जाएंगी बाहर हो जाएंगी तो हम क्या कर लेंगे,
यहाँ से पिग आयरन को निकाल कर सांचों में इकट्ठा करके ठंडा कर लेंगे। ये तो पहली विधि थी, सॉरी रॉट आयरन बनाने की। यहाँ से रॉट आयरन निकलेगा, सॉरी पिग आयरन निकल गया है, तो रॉट आयरन को निकाल करके उसको ठंडा कर लेंगे सांचों में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका उपयोग डिफरेंट प्रोसेस में कर करके हम लोग जो भी आइटम का निर्माण करना है कर सकते हैं। दूसरी प्रोसेस है एस्टन बेयर प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स? एस्टन बेयर प्रोसेस। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस के अंतर्गत क्यूपोला फर्नेस और ओपन हर्थ फर्नेस और बेसेमर कन्वर्टर, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यह आधुनिक विधि है रॉट आयरन बनाने की। सबसे पहले क्या करते हैं, जो पिग आयरन है उसको क्या करेंगे हम लोग, क्यूपोला फर्नेस में पिघला लेंगे। पिग आयरन को क्या करेंगे, क्यूपोला में पिघला लेंगे, क्यूपोला फर्नेस में पिघला लेंगे, ठीक है फिर। अब इसको क्या करेंगे, जो पिघला हुआ मोल्टेन मेटल जो है, मोल्टेन मेटल, इसको क्या भेजेंगे, बेसेमर कन्वर्टर में। याद रखिएगा, एक एक प्रोसेस देखिए। बेसेमर कन्वर्टर में क्या करेंगे, इसको भेज देंगे किसके लिए, रिफाइनिंग के लिए, जिससे क्या होगा, इसकी सारी अशुद्धियाँ जो होगी जल जाएंगी, सारी अशुद्धियाँ बाहर निकल जाएगी। बेसेमर कन्वर्टर में होता क्या है कि गैसेस पास कराई जाती है पिघली हुई धातु से। ये जब पिघला रहेगा तभी इसे गैस पास कराई जाएगी, जिससे आपका क्या होगा, सारी की सारी अशुद्धियाँ जल जाएंगी और बाहर निकल जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या होगा, गैसें फंसी रहेंगी मोल्टेन मेटल में, क्या होगा, गैस जो है फंसी रहेंगी और पिघली हुई अवस्था में रहेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप था। अब देखिए दूसरा क्या करेंगे कि ओपन हर्थ जो प्रोसेस है, ओपन हर्थ प्रोसेस में क्या किया जाएगा कि हम लोग अशुद्धियाँ लेंगे, स्लैग लेंगे। ओपन हर्थ प्रोसेस से स्लैग लिया जाएगा और इस स्लैग को, ये जो पिघली हुई धातु है, इसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे तक इसको ठंडा कर लिया जाएगा। अब ये जो मोल्टेन मेटल है इसको लैडल में क्या करेंगे, लैडल में इकट्ठा कर लेंगे। मोल्टेन मेटल को लैडल में इकट्ठा कर लेंगे। अब इसमें क्या है, गैस है और मोल्टेन मेटल है। अब यह जो है इसको क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, कि ये जो अशुद्धि है जिसका टेम्परेचर क्या है, इसके फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे है, इसको भी क्या करेंगे, इस लैडल की सहायता से इसमें मिला देंगे, पूरा जो है मिक्स कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, इसका सॉलिडिफिकेशन बहुत फास्ट होने लगेगा। सॉलिडिफिकेशन क्या होगा, बहुत फास्ट होने लगेगा। और इसके कारण इसमें जो गैसेस थी वो सारी की सारी गैसेस बाहर निकलने लगेंगी, क्योंकि जब सॉलिडिफिकेशन क्विक होगा तो यह छोटे छोटे स्मॉल बॉल्स के रूप में टूटने लगेगा, छोटे छोटे स्मॉल बॉल्स के रूप में टूटने लगेगा, जिसमें इससे फंसी जो गैसेस होंगी सारी की सारी बाहर निकलने लगेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारी की सारी जो गैसेस है क्या होगी, बाहर निकलने लगेगी। अब क्या किया जाता है कि इसको जो है हम लोग एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तो यह जो होता है, ये जो बॉल्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ब्लूम। ब्लूम होती हैं, इनको प्रेशराइज करके ब्लूम के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब इस ब्लूम को रोलिंग मिल में भेज कर क्या करते हैं, विभिन्न आकार में बदल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसकी रेट क्या होती है, 5 मिनट में 3 to 4 टन, 5 मिनट में 3 to 4 टन, 5 मिनट में 3 to 4 टन आपका जो क्या होता है, बॉल जो होता है कलेक्ट हो जाता है। 3 to 4 टन बॉल क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है, कितनी देर में, केवल 5 ही मिनट में।
एक बार और देख लीजिए फ्रेंड्स एस्टन एंड बेयर्स प्रोसेस को। ये फ्रेंड्स करते क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, पिग आयरन को क्यूपोला फर्नेस में पिघला लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, बेसेमर कन्वर्टर में इसे भेजकर इसको रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग के दौरान क्या होता है, सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और इसमें केवल गैसें रह जाती हैं, क्योंकि बेसेमर कन्वर्टर में गैसेस के माध्यम से ही हम लोग रिफाइनिंग की प्रक्रिया करते हैं। अब इस रिफाइन मेटल है इसको लैडल में रख लिया जाएगा। अब ओपन हर्थ प्रोसेस से हम लोग क्या लेंगे, स्लैग लेंगे। स्लैग का टेम्परेचर क्या करेंगे, इस मोल्टेन मेटल के फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम कर देंगे। अब इस स्लैग को इस लैडल में मिला देंगे। जब ज्यों ही आप मिलाएंगे, टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। चूँकि टेम्परेचर काफ़ी कम है तो ये जो मेटल रहेगा छोटे छोटे बॉल्स के रूप में ब्रेक कर जाएगा, जिससे इसमें फंसी जो गैसेस है, ट्रैप्ड गैसेस है, वो बाहर निकलने लगेंगी। बाहर निकलने लगेगी तो इस प्रकार क्या होगा, ये जो होगा हमारा प्योर हो जाएगा। अब इस बॉल को क्या करेंगे, इकट्ठा करके प्रेशराइज करके हम ब्लूम के रूप में बना लेंगे। अब इस ब्लूम को रोलिंग मिल में भेज कर हम विभिन्न विभिन्न आकारों में परिवर्तित कर लेंगे। इस प्रोसेस की रेट क्या होती है, 5 मिनट में फ्रेंड्स, 5 मिनट में 3 to 4 टन, 3 to 4 टन क्या होता है, बॉल जो है कलेक्ट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा रॉट आयरन आज की वीडियो में, सिर्फ इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बाय बाय और स्टे होम, बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।